पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने आज पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हरियाणा की 22 साल की इस निशानेबाज ने चैटरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद वो इन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को अब पहला मेडल मिला है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने ये मेडल जीता है। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये जीत कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह भी जुड़ रहे हैं। अजीत, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, ओलंपिक में शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। बिल्कुल, देखिए अभी अभी ये खबर आई है और लगभग 60 के करीब शॉट के बाद क्वालिफाइंग राउंड में 580 अंकों के साथ वो तीसरे स्थान पे रही और उसके इस तरह से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल मिलाकर कहें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ये पहला पदक मिला है भारत को और महिला है मनु भाकर। 2020 में भी ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था लेकिन उस बार नहीं जीत पाई थी और इस बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अभी वो दूसरे इवेंट में भी अभी अपना खेल दिखा रही, प्रदर्शन कर रही है। अभी उनका दूसरा इवेंट भी चल रहा है। पहले इवेंट यानी 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। कुल उनके 221.7 यानी 221.7 अंक उनको मिले और तीसरे स्थान पे रही और उसके बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला। आरती, बिल्कुल अजीत, और 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था, उसके बाद अब मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेके भारत को गौरवान्वित किया है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए 2020 में भी उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में डेब्यू किया था लेकिन वहां पर कोई मेडल नहीं हासिल कर पाई और पेरिस में इस साल 2024 में वो हिस्सा ले रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन में भी वो हिस्सा ली थी लेकिन उसमें चूक गई थी। लेकिन अभी और इवेंट है उनके और उम्मीद। बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों से प्यार करती है। बहुत अच्छी खाने में पसंद है मनु को। मनु को खाने में खीर मतलब सब्जी रोटी करके घर का खाना बहुत पसंद है। मनु को बाहर नहीं खाती बिल्कुल भी। तो दुआ करेंगे आगे दो मैचों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दुआ करूंगी और मैं भगवान से प्रे भी करूंगी कि गोल्ड लेके आए मेरी बेटी। मनु भाकर की दादी खुशियां मनाते हुए इस मेडल को मिलने के बाद पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली जीत दर्ज हो गई है। भारत को पहला मेडल मिल गया है और ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है मनु भाकर ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत प्रताप लगातार बने हुए हैं। अजीत, भारत के लिए बहुत बड़ी बात, आप देख सकते हैं किस तरह मनु भाकर के परिवार में भी इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं पूरे देश के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ झज्जर उनके जो नेटिव प्लेस है वहां खुशियां मनाई जा रही है बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अभी ट्वीट किया है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है। यानी पूरे देश में इसको लेकर काफी खुशी है क्योंकि पहला मेडल है और पहला मेडल किसी महिला के हाथ लगा है। और शूटिंग में वैसे भी बात करें तो पहला मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में एथेंस में जिलाया था जब उनको सिल्वर मेडल मिला था और उसके बाद बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण अभिनव बिंद्रा को स्वर्ण पदक मिला था, गोल्ड मेडल मिला था 2008 में। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में दो लोगों ने जीता था, गगन नारंग और विजय कुमार। गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, विजय कुमार को सिल्वर मेडल मिला था। 2012 के बाद 12 सालों के बाद शूटिंग में भारत को ये मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीत के दिलाया है ये मेडल पेरिस ओलंपिक में। और निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की, खेल मंत्री ने खुशी जाहिर की। आप देखिए तो एक्स के बहुत लोगों ने पोस्ट करके खुद हमने तस्वीरें दिखाई उनके गांव की,
जहाँ पर काफी उनकी दादी खुश थी, मिठाई खा रही है, पूरे गांव में मिठाई बांटी जा रही है। जी बिल्कुल, तो पूरे देश के साथ साथ उनके घर में भी काफी खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका जी।